G20 का शानदार आगाज आज हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में, एक ऐसा जोन जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। काफी सारी इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो इस जोन में दिखाए जा रहे हैं डेलीगेट्स को, विजिटर्स को। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐप है आस्क गीता, जिसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, जिसके जरिए आप जिंदगी से जुड़े कई सारे सवाल पूछ सकते हैं और और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ हैं। फिलहाल इस वक्त मैं आस्क गीता के पर्टिकुलर काउंटर पे अभी खड़ी हूँ और मेरे साथ टैगबिन की निष्ठा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये इंडिया का अपना एआई, जनरेटिव एआई इंटरफेस है और इस ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी निष्ठा मैं आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि हम काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके जरिए जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। क्यों ना आप हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी दें। तो जैसा कि आपने कहा, ये एक एआई एनेबल्ड ऐप है जो कि हमारे हर टाइप के सवाल को, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, हर सवाल का जवाब वो हमको देता है। और वो देता है हमको श्रीमद् भगवद गीता से, उनके हजारों श्लोकों में से हमारे लिए वो एक वो जवाब निकालते जो कि हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने में काम आएगा। ये इसका मैं आपको डेमो भी दे सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और हिंदी। लेट्स गो विद हिंदी। यहाँ पे हम अपना नाम डालते हैं, एंड हम अपनी एज डालते हैं। ये डिटेल्स में हम इसलिए देते हैं ताकि जो भी हमारे पास हर हमारे सवाल का जवाब है वो भी इस तरीके से हो कि वो हमारे जेंडर, हमारी एज के लिए स्पेसिफिक हो। हो सकता है 14 साल का बच्चा जैसे सोचता है वैसे 25 साल का इंसान ना सोचता हो, तो वो भी ये एआई इंटरफेस अपने आप उसको बताता है, उसको सॉर्ट करता है, एंड देन दे गिव अस अ टेलर्ड आंसर। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीफेड क्वेश्चंस है जिसमें से हम कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे निष्ठा, कि बराबर मिलने वाली असफलताओं के कारण मुझमें अपराध बोध और अक्षमता के भाव बढ़ने लगे हैं, ऐसी पीड़ादायक भावनाओं से मैं कैसे मुक्ति पाऊं। चलिए इसी का ही जो आंसर है वो देखे। बिल्कुल, हम इसको क्लिक करेंगे तो अभी ए इंटरफेस उन श्लोकों को में से ये आंसर निकालेगा एंड देन वहां से फिर ये डेवलप करेगा। तो अब उसमें से ये आंसर, अभी इंटरफेस पूरा बैकएंड पर रन होता है एंड देन फिर हमें आंसर मिलता है। तो चलिए अब ये जो सवाल हमने पूछा है इसका जो उत्तर है, ओके बिल्कुल, पहले तो श्लोक आता है और फिर श्लोक का भावार्थ हमें देता है कि उसका क्या मतलब है, क्या वो दिखाना चाहता है, क्या वो बात करना चाहता है, तो वो यहाँ पे आता है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा क्योंकि हमने सवाल हिंदी में पूछा है इसीलिए हिंदी में ही जो उत्तर है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसकी खास बात ये भी है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप सवाल किसी भी लैंग्वेज में पूछते हैं, चाहे आप इंग्लिश में भी पूछते हैं, तो आपको जो आंसर है वो इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आप सवाल हिंदी में पूछते हैं तो उसका उत्तर जो है वो हिंदी में ही मिलने वाला है। और निष्ठा, हमारे मन में कितने सवाल होते हैं, स्ट्रेस कैसे दूर करें, ओवर थिंकिंग कैसे दूर करें, तो क्या मैं कोई भी सवाल पूछूं तो मुझे आंसर मिल सकता है? प्रीपेड के अलावा हम यहाँ पे टैप करके जब पूछेंगे तो हमारा सवाल वो इंटरव्यू। ओके वाओ, तो यहाँ पे टैप करना है। ओके, जिंदगी में स्ट्रेस कैसे दूर करें? अरे वाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सवाल पूछा और यहाँ पे सवाल आ भी गया कि जिंदगी में स्ट्रेस कैसे दूर करें। और चलिए अब देखते हैं कि जो उत्तर है वो हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि निष्ठा, चाहे वो वर्क लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हम स्ट्रेस से तो डील करते ही हैं और उसका एक जो सॉल्यूशन है वो हम ढूंढते रहते हैं, चाहे हम बुक्स पढ़ लें, चाहे हम किसी ऐप के थ्रू या किसी भी हम अपने बड़ों से बात करें, पर क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा ऐप है जो हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही इंस्पायर्ड होकर आंसर्स दे सकता है, तो ये आंसर आ गया है हमारे सामने कि जीवन में तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को सुधारना और आत्मसम्मान बढ़ाना होता है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे भगवान के शब्दों को समझने के लिए पुरानी गीता को पढ़ना और मानना कि अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है, ये आपको तनाव
ये आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। वाओ, कितनी अच्छा जो उत्तर है वो हमें मिला है। ऐसे ही तमाम जो सवाल है आपके मन में, जो इनफैक्ट आई थिंक निष्ठा डेलीगेट्स के मन में भी होंगे, और जो भी विजिटर्स आने वाले हैं उनको अपने सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। और कोई यू नो इस ऐप की खासियत जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मेरे अकॉर्डिंग आजकल का जो यूथ है स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा गूगल ओरिएंटेड हो गया है। उनको हर छोटे सवाल का जवाब गूगल से चाहिए। मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे सुधारूं, मैं काम में कैसे एक्सेल करूं, एंड व्हाट गूगल गिव्स अस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड आंसर होता है, बुकिश आंसर होता है। तो इसीलिए ये जो गीता ऐप है ये आया है, जो कि आपको एक असली जवाब देगा, जो आपको महाभारत के टाइम से, श्री कृष्ण के टाइम से चलते आ रही उस ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। तो ये पूरा इसका इंटरफेस डेवलप ही उस चीज को ध्यान में रख के किया गया है कि एक इंसान को एक सही राह दिखाए, ना कि एक बुकिश राह पे आगे बढ़ाते। एब्सोल्युटली निष्ठा, आपने इतनी अच्छी तरीके से यू नो हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करा और आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये आस्क गीता के बारे में यू नो आई एम वेरी श्योर कि आप भी बहुत इच्छुक होंगे जानने के लिए ये ऐप क्या करता है, कैसे काम काज करता है। तो ऐसे ही तमाम जो डिजिटल यू नो इनिशिएटिव्स हैं वो इस जोन में मौजूद हैं। हम आप तक यू नो सारी जानकारी जो है वो पहुंचाते रहेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है बीटी बाजार के साथ। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।